हेलो फ्रेंड्स, हमने उस दिन फर्स्ट चैप्टर को खत्म किया था। आज हमारा आज से दूसरा चैप्टर जो सेशन है वो शुरू होने वाला है। हमने फर्स्ट चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से खत्म कर लिया ऑब्जेक्टिव के साथ। आज हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, सेशन। सेशन में क्या होता है, आप बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा देख रहे हैं, देख के लग रहा होगा कि ये परिभाषा है कि क्या है, राम कहानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये परिभाषा ही है। हम लोग बचपन से लेकर के अब तक यही जान रहे होंगे कि श्वसन क्या कहते हैं, सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। नहीं, वो श्वसन नहीं है। श्वसन की परिभाषा कुछ इस कदर है। चलिए आइए देखते हैं श्वसन क्या है। श्वसन श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से O2 ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहाँ इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा ATP का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। फिर भी नहीं समझ में आया होगा कि ये तो राम कहानी पढ़ के चल गई। अब समझते हैं इसको। जैसे हम लोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझा था कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता था पेड़ पौधा, उसी तरीके से ये हम वो तो उन लोगों का था, पेड़ पौधों का था। अब यही चीज को हम लोग अपने तौर पे समझते हैं। हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते कहाँ से है, तो वातावरण से लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं तो वो पहले किसके पास जाता है, तो हमारे कोशिकाओं के पास जाता है। और कोशिकाओं के पास क्यों जाता है, तो हम लोगों ने भोजन के लिए हम लोगों ने भोजन खाया, मेन रूप से पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया था ग्लूकोज, तो हम लोगों ने वो ग्लूकोज खाया है। और श्वसन के द्वारा हम लोगों ने वातावरण से ऑक्सीजन गैस को सांस के माध्यम से लिया, और वो ऑक्सीजन गैस सबसे पहले हमारे शरीर में पहुंची। और हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो वो ऑक्सीजन गैस जिसको हमने वातावरण से लिया है, वो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और शरीर में प्रवेश करके कहाँ जाती है, तो कोशिकाओं के पास जाती है। वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन वातावरण से ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, यानी वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंच चुका है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच चुका है। अब वो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाएगा, शरीर में पहुंचा है तो किसी न किसी काम करने के लिए पहुंचा होगा। तो हमारे शरीर में हम लोगों ने जो भोजन किया उसमें ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराने के लिए हमने ऑक्सीजन गैस को लिया है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना है, ऑक्सीजन गैस ले चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ ऑक्सीजन गैस से उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, नहीं। हमारे शरीर में और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि जहाँ पर इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, यानी हम लोग जो बोले कि भोजन के रूप में ग्रहण किए हैं, तो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं, तो ग्लूकोज को ऑक्सीकरण कराने के लिए ऑक्सीजन गैस लिया। और विशिष्ट एंजाइम, यानी हमारे शरीर में कुछ खास एंजाइम होते हैं जिसकी उपस्थिति में उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, यानी ऑक्सीकरण मतलब होता है विखंडन, यानी ऑक्सीकरण के लिए जो हमने ऑक्सीजन गैस लिया है किसको तोड़ने के लिए, तो कोशिकीय ईंधन को तोड़ने के लिए हम लोगों ने जो ग्लूकोज ले रखा है, तो उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता है। और ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और हमारे शरीर में मौजूद कुछ एंजाइमों की उपस्थिति में होगा। तो जब ये टूट जाएगा, जब एंजाइमों की उपस्थिति में और ऑक्सीजन ने ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर दिया, तब जाकर के हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी वो ऊर्जा हो गई जैव ऊर्जा, अर्थात ATP, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ATP का निर्माण होता है, वो हमारे शरीर का ऊर्जा हुआ, यानी कि हम लोग जो ये श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज को तोड़ा किसकी मदद से, ऑक्सीजन गैस वातावरण से लेकर के, और कुछ एंजाइम कोशिका के अंदर में ये सारा काम हुआ। और इसके बाद वो बनाता क्या है, ऑक्सीकरण करने के बाद वो ऊर्जा बनाता है, वो ऊर्जा क्या है, ATP के रूप में बनाता है। तो ATP ऊर्जा निकालता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ATP ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा शरीर में, तो ये हमारे लिए हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कोशिका ही
गैस को अंदर लाई थी, किस गैस को? ऑक्सीजन गैस को बाहर अंदर लाई थी, तो अब कोशिका ही तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भी ले जाएगी। तो कोशिका ने ऑक्सीजन को लाया और जब ये सारा प्रोसेस हो गया उसके बाद जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका फिर क्या करती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। तो ये सारी क्रियाएं जो तभी से हम समझा रहे हैं वो सारी क्रियाएं क्या है, श्वसन है, ना कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन है। तो ये था हमारा श्वसन का परिभाषा, हम लोगों ने श्वसन को देख लिया है। अब देखते हैं समीकरण भी पूछा जाता है श्वसन का, जिस तरह से प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखे थे उसी तरह से हमारे बीच श्वसन का भी समीकरण है। तो श्वसन के लिए परिभाषा में ही देखिए वातावरण से क्या लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, किसको तोड़ने के लिए, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, कहाँ पे, तो कोशिका में। तो देखते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या चीज से तोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन से। तो इन दोनों की अभिक्रिया यानी ग्लूकोज लिए, उसके बाद ऑक्सीजन वातावरण से लिया गया, अब इन दोनों का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के प्रक्रिया के बाद यहाँ पे बनेगा क्या सब, तो यहाँ पे बनता है 6CO2 और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और ऊर्जा के रूप में ATP निकलता है। तो यही था हमारा क्या, श्वसन क्रिया का समीकरण। तो हमने देखा कि श्वसन कोशिका में हो रही थी, इसीलिए ऐसे श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका में श्वसन होती है इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन के दो अवस्थाएं होते हैं, कोशिकीय श्वसन की कितनी अवस्थाएं होते हैं, दो अवस्थाएं होते हैं, एक है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, नाम में ही है अवायवीय, यानी अ मतलब यहाँ पे नहीं होता है, तो जहाँ पे वायु न हो, और वायवीय जहाँ पे वायु मौजूद हो, नाम में ही है जिसमें वायु ना हो ऐसा श्वसन और जिसमें वायु उपस्थित हो। तो यहाँ पे श्वसन में एक ही गैस का उपयोग किया जा रहा था, तो कौन सी वायु की बात होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की तो नहीं होगी क्योंकि लेने वक्त की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगी ऑक्सीजन। तो अवायवीय श्वसन को समझते हैं और वायवीय श्वसन को समझते हैं। तो अवायवीय श्वसन सबसे पहला बात आएगा क्या, कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। पहला ही क्या है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है तो वो क्रिया हमारे शरीर की किस में होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। और इसमें ग्लूकोज, हम लोगों ने जो भोजन लिया था, इस क्रिया में यानी अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक मतलब हल्का सा ही, थोड़ा सा ही विखंडन होता है, तोड़ा जाता है हल्की सी मात्रा में। उसके बाद इसमें पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में यानी वायु की अनुपस्थिति में ही पाइरूवेट बनता है, इथेनॉल बनता है, और इथेनॉल या कहिए लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब लैक्टिक अम्ल से याद आता है, यहाँ पे देख लीजिए कि अवायवीय श्वसन यानी वायु की अनुपस्थिति है। तो मानव शरीर में जब कभी अचानक बहुत ज्यादा थकान वाली काम कर लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, या बहुत सारा काम एक ही दिन कर लेते हैं, तो हमारे पैर हाथों में कंपन होने लगती है, दर्द होता है, ऐठन होता है। इस ऐठन का वजह भी क्या है, अवायवीय श्वसन, क्योंकि उस वक्त हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पाइरूवेट का निर्माण होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और जब कभी लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा शरीर में, तो जिस अंग में वो वहां पे जिस अंग में लैक्टिक अम्ल बनेगा उस अंग में क्या हो जाता है, ऐठन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। तो पैर हाथ में टटोनी उठना, ये सब किसके वजह से होता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से। क्यों, अवायवीय श्वसन वायु की कमी हो जाती है। और इसी ऊर्जा, इसी श्वसन में क्या होता है, इसमें ऊर्जा बस हल्की सी ही निकलती है, बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वायु की अनुपस्थिति होती है, कोशिका द्रव में यह क्रिया होती है, और थोड़ा ही रूप में ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसके बाद इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और पाइरूवेट का निर्माण होता है, और थोड़ी ही मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, मुक्तिकरण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये था हमारा अवायवीय श्वसन। अब है मेरा वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन को समझते हैं। वायवीय श्वसन, तो वायु, जब ये वायु की अनुपस्थिति था तो ये वायु की क्या होगी, उपस्थिति होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और यह हुआ था कहाँ, कोशिका द्रव में घटित हुआ था, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में।
ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें ग्लूकोज की थोड़ा सा ही विखंडन हुआ था, आंशिक विखंडन हुआ था, तो इसमें पूर्ण होगा, क्योंकि इसमें दो ही अवस्था है। जब पहला अवस्था में नहीं टूटा तो लास्ट अवस्था में तो पूरा टूटेगा ही। तो दूसरा अवस्था है वायवीय श्वसन, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। जिस तरह से इसमें पाइरूवेट हुआ था उसी तरह से इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निर्माण होता है और इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें थोड़ा ही मुक्त हो रहा था और इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा मुक्त हो रही है, वहां से आ रहा है कि वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। तो वाजिब सी बात है कि जो जो क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है तो वहां पे ऊर्जा ज्यादा मुक्त होगी। तो ये था हमारा वायवीय श्वसन। अब देखते हैं हम लोग, तो श्वसन को समझ गए, श्वसन की अवस्थाओं को समझ गए। अब है पेड़ पौधों में श्वसन। पेड़ पौधों में जिस तरह से हम लोग अपना श्वसन के लिए बहुत सारे अंग है हमारे पास, ट्रेकिया वगैरह सब होता है, नासिका छिद्र होते हैं, ये सभी इसके वजह से। तो वो हम लोग मानव श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें पढ़ना होगा पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन के लिए पौधे तीनों भाग से श्वसन कर सकते हैं, यानी जड़ से भी वह श्वसन करते हैं और जड़ से, तना से और पत्ता, इन तीनों जगहों से वो श्वसन करते हैं। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसका नाम हमने पहले चैप्टर में स्टोमाटा बताया था। तो स्टोमाटा की वजह से वो सांस लिया और छोड़ा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग लिया और ऑक्सीजन को छोड़ा। पत्तों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों की वजह से स्टोमाटा से वो सांस लिया और छोड़ा, तो एक हो गया। उसके बाद दूसरा, तना से कौन लेगा? तो जो पौधे पुराने हो गए हैं, जो वृक्ष पुराने हो गए हैं, यानी बहुत पुराना वृक्ष है, उसकी चमड़ी क्या हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, तो ये तना है बीच वाला भाग, जैसे ये पेड़ है और ये उसका आगे वाला नीचे में जड़ है, तो ये उसका तना वाला जो भाग है, इस तना की चमड़ी जिस पौध जो पौधा पुराना हो चुका है, लंबा वृक्ष है, तो वो वृक्ष के तनों के पीछे नीचे से भी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वात रंग कहते हैं। तनों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? वात रंध कहलाते हैं। तो वात रंध के सहायता से तनों के द्वारा श्वसन करता है। पत्तियों में जो छिद्र था उससे लिया, यानी स्टोमाटा से लिया, तो वो पत्ती के द्वारा हुआ, और तना में जो छोटा छोटा छिद्र के द्वारा वो गैस लिया और छोड़ा, तो वो था वात रंध, और यानी तना से भी वो कर लिया। उसके बाद है जड़। तो पेड़ पौधों में के जड़ों में, जैसे खासतौर पे जो नवजात जड़ होते हैं, जैसे मान लेते ये हमारा छोटा सा, हमने वृक्ष की बात नहीं की, हमने पौधा की बात की है, तो ये हमारा छोटा सा पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं, मिट्टी के नीचे ये उसकी जड़ें हैं। तो इस जड़े में भी आप लोग देखे होंगे कि उस जड़, ये जड़ है जैसे, उस जड़ में भी छोटे छोटे उजले रंग की काफी मुलायम सी जड़ें निकली होती है, यानी जड़ में भी जड़ निकला हुआ रहता है और उस जड़ में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे मूल रोम कहते हैं। जिस जड़ को क्या कहते हैं? मूल रोम। उस मूल रोम के द्वारा वो गैस लेते और छोड़ते हैं, यानी जड़ में उपस्थित मूल रोम से पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं और तना में उपस्थित, तना में जो छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं जिसका नाम क्या था, वातरण, से भी वो क्या करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं। और यानी कि हमने बताया जड़ बता दिया, तना बता दिया और पत्ती में तो हमने बताया ही कि स्टोमाटा होता है, तो स्टोमाटा से उन्होंने सांस लिया और छोड़ा। तो ये हमारा पौधों में श्वसन भी खत्म हो गया। अब एक क्लास और बचा है श्वसन चैप्टर का, क्या? मानव का श्वसन तंत्र। इसमें हम लोग मानव का डीपली से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सांस लेता है और छोड़ता है। तो हमारा वीडियो आज का यही खत्म होता है। अगर आप हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।